जयपुर के सिरोही का। शुक्रवार का दिन था और आबू रोड रेलवे स्टेशन पर दिल्ली अहमदाबाद एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। इस ट्रेन में S10 कोच में एक महिला सफर कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने कुछ अजीब सा देखा। उसने देखा कि कई लोग बार बार S10 कोच के बाथरूम में जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। हालांकि एक सामान्य बात है, लेकिन महिला को अजीब तब लगा जब 2 से 3 लोग एक साथ उस बाथरूम में जा रहे थे और थोड़ी देर बाद बाहर आ रहे थे, और ऐसा कई बार हो रहा था। काफी देर तक महिला इसी तरह देखती रही, लेकिन जब महिला से नहीं रहा गया तो आखिरकार उसने रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दी, सूचना दी। थोड़ी देर बाद रेलवे पुलिस वहां पर पहुंची। अब उस महिला ने बताया कि काफी देर से वो देख रही है कि कई लोग बार बार झुंड बनाकर एक बाथरूम में जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते हैं। आखिरकार रेलवे पुलिस जब उस बाथरूम में पहुंची तो उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी गंध आई। गंध इतनी ज्यादा थी, इतनी तेज थी कि पुलिस वाले वहां पर 1 सेकंड के लिए भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि यह गंध किस चीज की है। असल में यह गंध शराब की थी। रेलवे पुलिस ने तुरंत उस पूरे बाथरूम की जांच शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें ट्रेन के शौचालय की पानी की टंकी में शराब भरी हुई मिली। शौचालय की टंकी अंग्रेजी शराब की 60 बोतलों से भरी हुई थी। इसके साथ साथ शराब की बोतलों को टॉयलेट की छत पर भी छुपाया गया था। जब उन लोगों को पकड़ा गया जो बार बार इस शौचालय में जा रहे थे, तो उनका कहना था कि उन्हें भी पहले नहीं पता था कि यहाँ पर शराब रखी हुई है। लेकिन जब उन्हें शराब मिली तो उन्होंने और लोगों को भी बताया और इसी वजह से कई लोग बार बार टॉयलेट में जाकर शराब पी रहे थे। रेलवे पुलिस स्टेशन के अधिकारी दिलीप सिंह ने कहा कि वो इसकी जांच कर रहे हैं और आखिर इतनी अधिक मात्रा में शराब कौन छुपा के ले जा रहा था, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दोस्तों, जो तस्कर थे उन्होंने ट्रेन को भी नहीं छोड़ा, ये आप समझ गए होंगे, और कितनी बड़ी यहाँ पर चूक हुई है सुरक्षा एजेंसियों की कि ट्रेन के अंदर कोई शराब की तस्करी कर रहा है और उन्हें पता भी नहीं चला। जयपुर